गाड़ी स्लिप आ रही है, बर्फ भी बहुत ज्यादा है। एक ही टायर पे चेन लगाई है। अच्छा, एक ही टायर पे चेन लगाई है, दूसरा टायर स्लिप मार रहा है। गुलमर्ग कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। बस गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ी, बर्फ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से आगे पैदल ही जाना है, होटल पास में ही है। ये मेरे साथ बिलाल हैं, इन्होंने मेरा सामान उठा लिया है। कश्मीर में ये मेहमान नवाजी बहुत मिलती है और स्नो बहुत अच्छी पड़ रही है, बेहतरीन स्नो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्च में भी इतनी स्नो मिलेगी। अब शाम हो चुकी है, फटाफट स्की शूज़ और इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं। जल्दी आपको लेके आना होगा वरना रात ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लैंप्स नहीं है। बहुत ज़्यादा स्नो है, ये हम शॉप पे जा रहे हैं। Day 2। आज बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रही है। बिलाल कह रहे हैं कि स्कीइंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ट्रिकी होगा, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती है जब स्नो आती है। स्नो आपके चश्मे पे जम जाती है और अब कोई दिखता नहीं है, पर अब चूंकि आ गए हैं तो कुछ राउंड्स तो मैं सोच रहा हूँ करी लूँ। ओके। इतनी स्नो फॉल है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी हम गुलमर्ग शहर की तरफ जा रहे हैं। इस एरिया को गमर्ग बोलते हैं। आज स्कीइंग नहीं कर रहा हूँ, आज सोचा है गुलमर्ग शहर घुमा जाए। मौसम बढ़िया हो रहा है, बादल घिरे हुए हैं, स्नोफॉल तो नहीं हो रही है, पर यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बता रहे हैं यहाँ का सबसे पुराना होटल है होटल अशोका। जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी तो यहाँ के ओनर चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। आप इस बोर्ड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्नोफॉल है, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये अच्छे खासे बोर्ड हैं और बिल्कुल बर्फ़ में दबे हुए हैं।
ये यहाँ का हेली स्कीइंग एरिया है, वो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर खड़ा है। वैसे तो अभी इतनी पाउडर स्नो है कि आप बिना हेली स्कीइंग के भी पाउडर मजा ले सकते हैं। इसके रेट्स अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग कोई कह रहा है 20,000 रुपये पर डे है, कोई कह रहा है 80,000 रुपये पर डे। यहीं पिक ये टी बार स्लोप्स हैं, ये एक्चुअली दो टी बार स्लोप्स हैं। आप एक यहाँ से लेके वो हाईलैंड पार्क है वहाँ तक जा सकते हो स्कीइंग करके, फिर वहाँ से टी बार लेकर हाइट से भी नीचे आ सकते हो। यहाँ इनको बेबी स्लोप्स बोलते हैं। 85 और हाईलैंड पार्क बेबी, अच्छा ये 85 है, ये बेबी स्लोप नहीं है, बेबी स्लोप साइड है। हाँ वही मुझे लगा था कि ये तो अच्छा है, अच्छी स्टीप है, ये बेबी स्लोप नहीं है, ये सेकेंड लेवल है। तो बेबी स्लोप के बाद आप इस लेवल पे आओगे और ये सामने गवर्नमेंट स्की शॉप है, यहाँ से स्की का सामान लिया जा सकता है। अब हम इसी टी बाग रस्ते से माखरी तक जा रहे हैं। अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल गश नहीं है, लोग ही नहीं है, तो ये टी बाग भी नहीं चल रही है। मतलब कितने दुख की बात है, इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी स्नो और लोग हैं नहीं यहाँ पे। बिल्कुल खाली सड़क है, कहने को शिवरात्रि है, लॉन्ग वीकेंड है, बेहतरीन मौसम है, पर टूरिस्ट एकदम गायब है, बहुत दुख की बात है। ये गुलमर्ग का मार्केट है, ये यहाँ की कश्मीर बेकरी है, बहुत फेमस बेकरी है। कुछ यहाँ से मैं बिस्कुट ले लिए, वो शिव मंदिर है, ये इस रस्ते से ऊपर तक जाना है। देखें आज शिवरात्रि भी है तो मैं सोचा शिव मंदिर हो ही जाए। नहीं ये बढ़िया है, इन्होंने सीढ़ियों पे चढ़ना आसान है, करीब 60-70 सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये हम शिव मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ से व्यू देखिए पूरे गुलमर्ग का, थोड़ी सांस फूल रही है। करीब 5-6 किलोमीटर ट्रैक था होटल से यहाँ पे। ये मेरे साथ समीर गौल है, ये यहाँ 10 साल से हैं, यहाँ की रखवाली कर रहे हैं। आज शिवरात्रि है पर थोड़ा मंदिर खाली है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ऊपर देख सकते हैं। स्नोफॉल फिर शुरू हो गई है, तो बिलाल बता रहे हैं कि अगर ऐसी स्नोफॉल होती रही अगले 3-4 घंटे तो 2 फीट बर्फ और ऐड हो जाएगी। ही बेहतरीन मौसम, एकदम धूप निकली हुई है। फॉल हो गया है, ये यहाँ पे स्की फंस गई और मैं फेस के बल यहाँ गिरा। ये तो अगर सेट भी करता तो भी चोट नहीं लगती, पर चूंकि फेस के बल गिरा तो चोट लग गई। थोड़ा बर्फ लगा लिया है पर अभी बिलाल कह रहे हैं कि एक बार हॉस्पिटल जाके पट्टी करवानी जरूरी पड़ेगी। यहाँ गाड़ी वाड़ी चलने से ये गड्ढे बन गए हैं, ये ट्रैक थोड़ा ख़राब हो गया है ऊपर से, और यहाँ से थोड़ा सा मेरा पैर यहीं इसकी यहीं इन्हीं गड्ढों में फंस गई। ये गुलमर्ग का हॉस्पिटल है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा पट्टी करवाने आया।
थोड़ा पट्टी वगैरह करवाने आया हूँ और उसके बाद फिर वापस स्कीइंग करने चलेंगे। आज हम लोग चेयर लिफ्ट के लिए जा रहे हैं। गुलमर्ग में तीन लिफ्ट्स हैं, फेज़ वन गुंडोला, सेकंड चेयर लिफ्ट एंड थर्ड इज़ फेज़ टू। तो चेयर लिफ्ट काफ़ी एडवांस है, यहाँ पाउडर पे स्कीइंग करनी पड़ती है और बैलेंस बनाना पड़ता है। देखते हैं कि कैसा रहता है। चेयर लिफ्ट से उतर गए और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। ये ऊपर फेज टू का गंडोला है जो टॉप तक जाता है और यहाँ से आप हिमालय देख सकते हैं और अब यहाँ से नीचे जाना है। काफ़ी स्टीप लग रहा है, देखते हैं। ये चेयर लिफ्ट वाला जोन हो नहीं पा रहा है मुझसे, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं बार बार कह रहा हूँ और फिलहाल कह रहे हैं कि हम यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि ये अनजान जोन है और कभी भी अनजान जा सकता है। धूप बहुत तेज निकली हुई है तो हमें यहाँ से किसी तरह नीचे उतरना पड़ेगा, हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो आई एम कॉलिंग इट अ डे, बिट डिसअपॉइंटेड, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम I'll definitely do this game later.